हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से और श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्यूबर्टी स्टेज के जो स्टेप्स हैं उनको देखेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने देखा था कि जो है ये प्यूबर्टी स्टेज होती क्या है और इसके साथ साथ इस स्टेजेस में जो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, और इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि इसमें जो चेंजेस होते हैं और फिजिकल चेंजेस कौन कौन से थे इसमें जो मुख्य रूप से, वो हमने देखे थे। अब इसके अलावा हम आज की क्लास में हम देखेंगे कि होम साइंस में जो आपका थर्ड सेमेस्टर है उसमें थर्ड सेमेस्टर में आपका जो प्यूबर्टी स्टेज दिया गया है तो उसके स्टेप्स क्या है। तो ये हम जानते ही हैं कि विकास या जो डेवलपमेंट वाली जो प्रोसेस होती है वो कैसी है, वो हमेशा चलती रहती है। बस इसमें ये है कि कभी ये स्लो हो जाती है तो कभी जो है फास्ट हो जाती है, लेकिन कभी भी इसका एंड नहीं होता। और इसके साथ ही जो विकास की जो प्रक्रिया है उसमें होने वाले जो चेंजेस हैं वो कभी भी जो है एकाएक नहीं होते, बल्कि ये जो है पूर्ण परिवर्तन पर आधारित होते हैं। और आगे के जो चेंजेस हैं और या उसके जो आने वाले जो विकास है उसके जो है आधार या उसका जो बेस है वो तैयार करते हैं। और ये जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था और किशोरा अवस्था को जो है जोड़ने वाला जो संधिकाल होता है, और जिन चेंजेस की शुरुआत जो है उत्तर बाल्यावस्था में हो जाती है वही परिवर्तन जो है आगे किशोरावस्था की आधारशिला रखते हैं। और इसके अलावा जो बॉयज़ एंड गर्ल्स में जो मैच्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें फिजिकल मैच्योरिटी को जो है ये लाते हैं। इसके अलावा जो इंग्लैंड के जो कि बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जेम्स टर्नर थे, उन्होंने 1969 में जो है प्यूबर्टी स्टेज में फिजिकल चेंजेस जो होते हैं उन इसको जो है 5 स्टेप्स में उन्होंने बांट दिया, जिनमें पहला अगर जो कहा जाए जिसे टर्नर स्टेज के नाम से ही जाना जाता है, इसके फर्स्ट स्टेज में जो है इस चरण को पूर्व वय संधि अवस्था या प्यूबर्टी स्टेज के चेंजेस का समय भी माना जाता है, क्योंकि ये जो चरण होता है जो कि गर्ल्स में 8 to 16 एज में होता है, वहीं पर सीख मेच्योरिटी की स्थिति में ये जो है 6 से 7 वर्ष में भी जो है ये हो सकता है। और इस समय लंबाई में बात करें तो इसमें पर ईयर जो है 5 से 6 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग जो है इसमें वृद्धि देखी जाती है। और इंटरनल फिजिकल चेंजेस जो है होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। लड़कों में देखा जाए तो बॉयज में जो ये आता है वो 9 to 11 ईयर के बीच में आता है। इस समय जो लंबाई है वो पर ईयर 5 से 7 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग जो है ये बढ़ती है, और अंडकोशों का विकास भी जो है इसमें शुरू हो जाता है या प्रारंभ हो जाता है। सेकेंड टर्नर स्टेप में देखा जाए तो ये जो स्टेप होता है वो प्यूबर्टी स्टेज में जो फिजिकल चेंजेस का जो है स्टेप होता है, इस टाइम पे जो हार्मोन्स होते हैं वो पूरी हॉल बॉडी में जो है संकेत भेजने लगते हैं। और गर्ल्स में जो है ये जो स्टेप है वो 9 to 11 ईयर में जो है कि स्टार्ट होता है, और इस स्टेप के प्रारंभिक लक्षणों में जो है जो हम बस साइज होता है वो थोड़ा सा उभर जाना और गर्भाशय का विकास होना और प्यूबिक बल्ब आना, ये चीज़ें जो है इसमें आती हैं। और ये वॉइस में जो है ये चरण जो है सामान्यतः 11 वर्ष की आयु से जो है स्टार्ट होता है, और इसमें अंडकोश जो है विकसित होने लगते हैं और इसमें जो हेयर्स का आना जो है इसमें आम हो जाता है। थर्ड स्टेप में ये होता है कि टर्नर स्टेज थर्ड में या चरण में जो है प्यूबर्टी स्टेज में होने वाले जो चेंजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट हो जाते हैं। जो गर्ल्स होती हैं उनमें ये चरण जो है 12 वर्ष की उम्र में जो है समाप्त होने के बाद जो है ये स्टार्ट होता है, और इस स्टेप में जो है बस्ट साइज का जो है बढ़ जाना और प्यूबिक हेयर्स का जो है घने हो जाना, और इसके अलावा किसी किसी को जो है जो मुहासे वाली जो प्रॉब्लम है वो इसमें स्टार्ट हो जाती है। बालकों में ये जो स्टेप होता है वो 13 ईयर की एज में जो है स्टार्ट होता है, और इसमें जो है जितने भी जो लिंब वगैरह होते हैं उनका विकास होता है, बोन्स और मसल्स का विकास भी जो है, और इसके साथ साथ फिजिकल रूप से जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं, और इसके अलावा जो इसमें वॉइस चेंजेस का भी जो है शुरू हो जाता है। फोर्थ स्टेप में जो है विकास बहुत तेज़ी से होता है, और गर्ल्स एंड बॉयज़ में कई प्रकार के जो है चेंजेस आते हैं, और ये जो है गर्ल्स में ये जो स्टेप है वो 13 साल के आसपास होता है, और लंबाई में ये वृद्धि लगभग जो है 2 से 3 इंच पर ईयर के अकॉर्डिंग होती है, और जो है प्यूबिक है वो भी जो है इसमें
खड़े हो जाते हैं। लड़कों में ये जो स्टेप होता है वो 14 वर्ष के आसपास से होता है और इसमें जितने भी इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो विकसित हो जाते हैं। इसके अलावा जो है मुहासे निकलना, आवाज़ का धीरे धीरे स्थायी होना, ये सारी चीज़ें जो है इसमें होती हैं। और लास्ट स्टेप जो इसका है फिफ्थ स्टेज जो है कि टैनर स्टेज इन 5। इस स्टेप में जो है गर्ल्स एंड बॉयज़ में जो है फिजिकल मैच्योरिटी जो है काफ़ी स्पष्ट दिखाई देती है और बालिकाओं में जो ये चरण होता है वो 15 वर्ष की आयु में होता है और बालिकाएं जो है एडल्ट जो शारीरिक रचना जो उनकी होती है वो ग्रहण कर लेती है और मेंस्ट्रुएशन जो है वो नियमित होने लगता है और जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं, शरीर का आकार बढ़ जाता है, उसके साथ साथ अमूमन जो है वेट भी जो है बढ़ता है। और लड़कों में ये जो स्टेप है वो 15 वर्ष की आयु के आसपास होता है और 18 वर्ष की एज तक जो है लगभग उनका जो शारीरिक रूप से वो मैच्योर हो जाते हैं और उनके प्रजनन अंग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं और मांसपेशियाँ और अधिक ज़्यादा विकसित हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये जो है टर्नर के नाम जो साइंटिस्ट थे या जो डॉक्टर थे उन्हीं के नाम से जो है ये स्टेज है, टर्नर स्टेज 1, 2, 3, 4 एंड 5। थैंक यू।